ओ हेलो है दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है इम्तियाज और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल टेक्नोज बाइक व्लॉग। तो मेरे पास है आज बजाज पल्सर 150। इसमें मैं टाइमिंग चेन चेंज करने वाला हूं, तो मैं टाइमिंग चेन और क्लच इसका कैसे फिटिंग करते हैं तो मैं वीडियो में बताऊँगा। और वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फाइनली मैंने सारा कुछ इसमें खोल लिया, आप लोग देख सकते हो। तो इसकी टाइमिंग चेन ये रही, और ये टाइमिंग चेन किस तरीके से बांधते हैं और किस तरीके से इसकी फिटिंग होती है तो मैं आप लोगों को पूरा फुल प्रोसेस के साथ बताऊंगा। तो सबसे पहले हमको टाइमिंग चेन ले लेना है, और कुछ इस तरीके से ऊपर से यहाँ से डालना है, और नीचे हमारा बैठाना रहता है नीचे क्रैंक में। तो इसको किस तरीके से बैठाते हैं मैं बताता हूँ आप लोगों को। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से मैंने टाइमिंग चेन अंदर डाली, और उसके बाद यहाँ नीचे ला के इसको जो गलारी होती है हमारी, इसमें हमने फिट कर दिया। नीचे की गलारी जो थी मेरी, मैंने उसमें फिट कर दिया इसको। तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ से मेरी देख सकते हैं आप लोग, मेरी टाइमिंग चेन जो क्रैंक में वो बैठ चुकी है क्रैंक की गलारी में। तो उसके बाद हमको लगाना है यहाँ पे एक चाबी, क्रैंक में कुछ इस तरीके की चाबी आती है, और ये इसमें ये गियर में कुछ इस तरीके से यहाँ यहाँ पे बैठ जाती है। तो क्रैंक में हमको चाबी को बैठा देना है। तो मेरी चाबी देख सकते हैं आप लोग, ये मैं बैठा रहा हूँ तो फाइनली मेरी चाबी बैठ रही है। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को भी बैठा देना है। तो मेरी चाबी जो बैठ गई, उसके बाद ये गियर लगाना है, और गियर में यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग मार्का एक टाइमिंग का वो व्हाइट कलर का, तो इसको बाहर की तरफ रखना है, और इसको कुछ चाबी को गियर में कुछ इस तरीके से फंसा के और अंदर कर देना, तो आराम से हमारा बैठ जाता है। तो फाइनली हमारा गियर जो है वो बैठ चुका है, टाइमिंग चेन भी बैठ गई है। अब उसके बाद जो हमको लगाना है, मैं बताता हूँ आप लोगों को उसके बाद क्या लगाना है। तो उसके बाद हमको ये वाला गियर लगाना है टाइमिंग का, और इसको किस तरीके से इसकी टाइमिंग मिलाना है तो मैं बताता हूँ आप लोगों को। ये जिस तरफ से घूम रहा है उस तरफ हमको 3 बार घुमा देना है, मैं तो 3 ही बार घुमाता हूँ। तो ये मेरा छूट गया, तो उसके बाद मैं इसको 3 बार घुमाऊंगा इधर का, और 3 बार घुमाऊंगा उस साइड का, तो आराम से हमारा टाइमिंग मिल जाएगी। तो अभी मेरा एक साइड से बैठ गया, आप लोग देख सकते हैं एक साइड से मेरा बैठ गया। मैंने 3 बार घुमाया इसको, जिधर घूमता उधर को ही घुमाना है, जिधर नहीं घूमता उधर नहीं घुमाना। तो इस साइड का भी कुछ इसी तरीके से बैठा लेना है। तो मैं बताता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे भी एक गियर लगेगा हमारा। तो मैं बताता हूँ आप लोगों को ये गियर किस तरीके से लगाना। तो एक साइड में हमारा बैठ गया, और दूसरे साइड को भी हमको 3 बार इस वाले गियर से घुमा लेना है। 3 बार और 3 बार घुमा के इसको भी अंदर की तरफ प्रेस करोगे तो ये आराम से हमारा बैठ जाएगा तीनों। तो फाइनली हमारी गियर की जो टाइमिंग मिल चुकी है, उसके बाद मैं इसमें वाइसर लगा देता हूँ। एक पतला वाइसर आता है, तो इसको मैं पहले अंदर की तरफ लगा देता हूँ कुछ इस तरीके से। एक बाहर आता है और एक अंदर आता है, तो कि इसको कुछ इस तरीके से इस होल में बैठाना रहता है तो आराम से बैठ जाता है। तो कुछ इस तरीके से लगाया और ये बैठ गया। उसके बाद कोई हैमर लेंगे, और हैमर की मदद से इसको हल्के से ठोकेंगे तो आराम से बैठ जाएगा गियर मिला के। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इसकी टाइमिंग। तो टाइमिंग आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ, तो गौर से देखिए। यहाँ पे टाइमिंग गियर में है और केसिंग में है। तो और मैं आप टाइमिंग चैन की दिखा देता हूँ, ये वाली टाइमिंग, और यहाँ पे जो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे एक खाचा केसिंग बना हुआ है इसके सामने। तो हमारी इसके सामने ये टाइमिंग हो गई, और जो उधर गियर की है उसको भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो कुछ इसी तरीके से आप लोगों को रखना है इसके और इसके सामने। तो ये हमारी टाइमिंग एकदम आमने सामने हो गई, हमारा पिस्टन हो गया टॉप पे। तो अब इसके बाद हमको फिट करना है इसका क्लच कटोरा। तो ये रहा इसका क्लच कटोरा, और इसको किस तरीके से बैठाना है, इसको भी बहुत प्यार से बैठाना है, क्योंकि इसमें जो हमारे बहुत सारे गियर फंसेंगे। तो सबसे पहले हमको सब गियर को घुमा घुमा के देख लेना है किस में हमारा अटक रहा है और किस में हमारा फंस रहा है। तो ये जो हमारा ऑयल पंप की गलारी, इसमें भी देख लेना, तो ये बहुत टफ बैठाने में रहता है। तो इसको आराम से बैठाएं, आराम से बैठ जाता है। तो यहाँ पे एक जो ऑयल पंप की गलारी, उसको घुमा के देख लेना, और जो हमारा यहाँ पे जो किक के ऊपर एक गियर लगा होता है उसको भी घुमा घुमा के देख लेना, उसमें भी फंसना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से हमारा फंस जाएगा। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसको किस तरीके से बैठाना। तो हमारा यहाँ पे जो एक एक साइड में बैठ रहा है, बाकी ये सही से नहीं बैठा है। तो मैं इसको फिर से निकाल कर फिर से बैठाता हूँ। तो कुछ इसी तरीके से आप लोगों को बैठा लेना है, इसको मैच मैच करा करा के बैठा लेना है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये हमारा थोड़ा सा आधा जो है वो चला गया है। तो यहाँ पे मैं इसकी जो ऑयल पंप गलारी, इसको घुमा के देख लेते हैं ये हमारी बैठ गई तो कि नहीं। तो हमारी ऑयल पंप गलारी बैठ गई। उसके बाद यहाँ पे किक की तरफ एक जो गियर होता है, तो उसको भी घुमा के बैठा लेना है। तो हमारे जितने भी गियर हैं इसमें हमको बैठा। तो फाइनली हमारा ये आधा बैठ चुका है,
और यहाँ पे जो किक के नीचे एक गियर है इसको भी मैं घुमा के देख लेता हूँ, इसमें बैठा नहीं, तो ये आराम से हमारा बैठ चुका है। और उसके बाद जो हमको यहाँ पे ये जो गियर लगा था इसको पेचकस की मदद से इसको ऊपर की तरफ हल्के से घुमाना है, तो ये खट करके आवाज़ करेगा और ये आराम से बैठ जाएगा। तो मैं बैठा के दिखाता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो मैं पेचकस की मदद से इसको बैठा रहा हूँ गियर को ऊपर करके, तो इसमें आवाज़ आ जाएगी तो आराम से बैठ जाएगा, खट करके आवाज़। तो फाइनली हमारा ये क्लच जो कटोरा है वो बैठ चुका है, आप लोगों को आवाज़ आ गई होगी, तो इसका क्लच कटोरा बैठ चुका है। उसके बाद इसमें लगाना है वाशर, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इसकी टाइमिंग। सबसे पहले ये वाली टाइमिंग और ये वाली टाइमिंग आमने सामने है मेरी, और उसके बाद हमारा क्लच जो कटोरा वो भी बैठ गया, यहाँ पे ये वाला गियर भी बैठ गया, और ये वाला जो ऑयल पंप का गियर है ये भी बैठ चुका है। तो फाइनली हमारे सारे गियर में जो क्लच कटोरा हमारा वो बैठ चुका है आराम से। और उसके बाद इसमें लगाना है एक वाइसर, जो हमारा मोटा जाड़ा वाइसर आता है क्लच कटोरे में ये वाला, तो कुछ इस तरीके से इसको लगा देना है। और उसके बाद लगाना है इसमें क्लच प्लेट, तो मैं दिखाता हूँ ये रही इसकी क्लच प्लेट, तो इसको आराम से बैठा लेंगे तो आराम से बैठ जाता है। तो फाइनली हमारा क्लच सेंटर और क्लच हब दोनों बैठ गए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं हमारा जो क्लच सेंटर क्लच हब बैठ गया है। क्लच कटोरा तो पहले ही मैंने बैठा दिया था। उसके बाद लगाना है इसमें एक वाइसर, और इसमें एक नट लगाना है जो उल्टी चूड़ी का होता है, इसमें उल्टी चूड़ी रहती है, तो कुछ इस तरीके से उल्टी की तरफ घुमाएंगे तो आराम से बैठ जाएगा। तो चलो इसको बैठा के करते हैं टाइट। तो फाइनली हमारा बोल्ट हो गया टाइट, तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को भी टाइट कर लेना, इसमें उल्टी चूड़ी रहती है, उल्टी तरफ का टाइट होता है। तो फाइनली हमारा ये हो गया टाइट क्लच का बोल्ट, और उसके बाद इसको देख लेना हमारा क्लच सेंटर बैठा है या नहीं, तो हमारा क्लच सेंटर जो है वो बैठ चुका है। उसके बाद लगाना इसमें जो पांच स्प्रिंग आती है ये वाली, इनको लगा देना है। तो अभी हमारी स्प्रिंग बैठ गई, उसके बाद ये वाली प्लेट को लगा देना स्प्रिंग के ऊपर, इसमें भी पांच बोल्ट आते हैं और एक प्लेट आती है, तो इसको लगा के कर देंगे टाइट। और टाइट किस तरीके से करना है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा इसमें। तो फाइनली मेरे जो पांचों बोल्ट थे क्लच के वो मैंने टाइट कर दिए, तो कुछ इस तरीके से टाइट करना है, एक आमने सामने टाइट करना है, एक इधर का एक उधर का, आमने सामने बोल्ट को टाइट कर देना है पांचों को। तो फाइनली मेरे बोल्ट जो हैं वो पांचों टाइट हो गए, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो ये गियर में यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे कवर लगता है, ये वाला पार्ट्स लगता है, तो इसको भी लगा के कुछ इस तरीके से आराम से बैठाएंगे तो ये आराम से बैठ जाता है। तो ये आराम से मेरा बैठ गया। उसके बाद इसमें लगाएंगे तीन बोल्ट, जो आठ नंबर के बोल्ट आते हैं, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को ये वाले, ये तीनों बोल्ट को लगा के कर देना है टाइट। तो फाइनली मेरे बोल्ट हो गए तीनों टाइट, और उसके बाद मैं इसमें लगाऊंगा, तो सबसे पहले मैं इसको टाइट कर लेता हूँ। तो ये मेरा हो गया टाइट, तीनों बोल्ट हो गए टाइट। तो इसके बाद ये वाला पार्ट्स लगाएंगे यहाँ पे क्रैंक में कुछ इस तरीके से, इसमें भी एक नट और एक वाइसर होता है, तो कुछ इस तरीके से लगा के इसको भी कर देना है टाइट। तो टाइमिंग चेन पकड़े रहना है ऊपर, उसके बाद करना है टाइट, नहीं तो इसकी टाइमिंग चेन जो है वो घूम जाएगी और गियर में फंस जाएगी। तो कुछ इस तरीके से लगा के इसको कर देना है टाइट, और यहाँ पे क्रैंक में एक गियर फंसेगा, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसका गियर जो फंसता है यहाँ पे, ये वाला जो गियर है दिखाता हूँ आप लोगों को, ये गियर को यहाँ पे कुछ इस तरीके से फंसा देना है। तो इस ये खोलने के टाइम भी लगता है और टाइट करने के टाइम पे भी लगता है, तो कुछ इस तरीके से लगा के इसको फुल कर देना है टाइट। फाइनली मेरा बोल्ट हो गया टाइट, और इसको निकाल लूँगा, और उसके बाद यहाँ पे कपड़ा मार के कुछ इस तरीके से साफ़ कर लूँगा। साफ़ कर लेना आप लोगों को भी, तो साफ़ कर लिया मैंने। और उसके बाद यहाँ पे जो एक प्लेट ये वाली लगती है, इसको भी कपड़े से साफ़ करके इसको भी कर देना टाइट। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। तो यहाँ पे तीन स्क्रू आएंगे, तो ये प्लेट में जो तीन स्क्रू लगते हैं उसको भी कर देना टाइट। तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को इसमें तीन स्क्रू जो होते हैं किस तरीके से होते हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये स्क्रू जो पतले आठ नंबर के आते हैं, इसको तीन रहते हैं, इसको कर देंगे टाइट पेचकस की मदद से। तो फाइनली मेरे तीनों स्क्रू हो गए टाइट। इसके बाद मैं चलता हूँ केम शाफ्ट की ओर और लगाता हूँ केम शाफ्ट। तो देख सकते हैं आप लोग, इसकी मैंने केम शाफ्ट लगा दी, इसकी टाइमिंग भी मिला दी है, मैं आप लोगों को पास से दिखा रहा हूँ। इसकी टाइमिंग ये चेम्बर और वो चेम्बर के एकदम सामने और टी हमारी टॉप पे आ जाती है, तो इसको करता हूँ टाइट। उसके बाद मैं नीचे और ऊपर का दोनों दिखाता हूँ।
तो फाइनली देख सकते हैं आप लोग इसका जो बोल्ट है वो हो गया टाइट टाइमिंग का। उसके बाद मैं पास से दिखाता हूँ आप लोगों की इसकी टाइमिंग। तो ये देख सकते हैं टी हमारी एकदम टॉप पर, ये खाँचा और ये खाँचा हमारा चेंबर के आमने सामने है। और मैं नीचे के दिखा देता हूँ, देख सकते हैं आप लोग ये वाली टाइमिंग हमारी क्रैंक की एकदम मिली हुई है एकदम। तो देख सकते हैं आप लोग ये टाइमिंग एकदम सीधी चेंबर पे जाके मिल रही है। और उसके बाद ये वाली टाइमिंग मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये वाली भी एकदम ऊपर टॉप पे है और राइट साइड का खाँचा भी हमारा एकदम सेम होगा। तो आप लोग देख सकते हैं इसकी टाइमिंग हो गई कम्प्लीट। उसके बाद मैं यहाँ पे एक वाइसर लगता है केम शाफ्ट में, यहाँ पे रहता है वाइसर, इसको खाँचे में बैठा लेना है। ये वाला खाँचा देख सकते हैं आप लोग, ये वाला खाँचा और एक इस साइड का खाँचा, तो आराम से हमारा बैठ जाता है। तो फाइनली हमारा बैठ गया, टाइमिंग लग गई है। अब इसको लगाना है प्लग के, प्लग का जो ये वाला कैप रहता है इसको अंदर की तरफ प्रेस करके लगा देना है और इसको हथौड़ी से कर देना है अंदर की तरफ। हो जाएगा, घुस जाएगा अंदर और हो जाएगा टाइट। उसके बाद यहाँ पे नीचे एक एलंकी बोल्ट होता है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसका एलंकी बोल्ट कहाँ पे होता है। तो इसको खोलने के टाइम भी लगता है और लगाने के टाइम भी इसको खोलना पड़ता है। तो यहाँ पे एलंकी बोल्ट होता है, दूसरी एलंकी ले लिया मैंने, तो मैं दूसरी एलंकी ले लेता हूँ और ये वाले बोल्ट को कर देना है टाइट। तो मेरा एलंकी बोल्ट हो गया टाइट। और उसके बाद में क्या लगाना है, तो उसके बाद में हम आते हैं क्लच की साइड में और क्लच में लगाते हैं इसकी पैकिंग। और जो बैरिंग आती है क्लच की वो लगाते हैं। ये रही इसकी पैकिंग, अच्छी है, बेकार नहीं हुई है, अच्छी टूटी हुई नहीं है, ये ओरिजिनल पैकिंग है। तो इसको लगा के कुछ इस तरीके से इसको बैठा देंगे तो हमारी पैकिंग बैठ गई। उसके बाद लगाना ये बैरिंग, और ये बैरिंग को कुछ यहाँ पे इस तरीके से ये प्लेट में लगा के इसको बैठा देना है, तो ये आराम से बैठ जाती है। तो फाइनली ये बैरिंग हो गई है कंप्लीट, बैठ गई है। और अब उसके बाद हमको जो लगाना है, अब लगाना हमको इसका क्लच कवर। सारा हमारा जो है क्लच का सामान जितना था सारा फिट हो चुका है। उसके बाद लगा देना इसमें क्लच कवर, ये वाला क्लच कवर लगा के, और इसको कर देना है फिट। तो फाइनली हमारा क्लच कवर लग चुका है, सारे बोल्ट मेरे हो गए हैं टाइट। तो उसके बाद मैं अब लगाता हूँ इसमें किक, और किक लगाने के ये कुछ इस तरीके से किक में बोल्ट लगा हुआ है, तो इसको मैं खोल लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे किक लगा के और किक को कर देंगे टाइट। तो फाइनली मेरी किक हो गई है टाइट। उसके बाद मैं ये फुटरेस जो लूज किया था इसको भी कर लेता हूँ टाइट। तो फाइनली मेरा फुटरेस हो गया है टाइट। और उसके बाद मैं अब बताता हूँ आप लोगों को क्या करना है। यहाँ पे ऊपर की तरफ हेड की तरफ आ जाना, यहाँ पे लगाना है चारों तरफ 3 बोन ट्यूब। पहले इसको कपड़े से क्लीन कर लेना, कपड़े से खूब अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना, उसके बाद लगा देना है 3 बोन ट्यूब पूरे में। तो फाइनली मेरी चारों तरफ जो है इसमें लग गई है 3 बोन ट्यूब, पैकिंग वाली जो ट्यूब आती है 3 बोन वो लग गई है। और उसके बाद में जो लेना हमको टॉप कवर, और टॉप कवर में भी लगा देना चारों तरफ, इसमें भी 3 बोन ट्यूब को लगा देना है। तो फाइनली मेरी जो ट्यूब थी 3 बोन ट्यूब को मैंने दोनों में लगा दिया। उसके बाद टॉप कवर इसका लगा देना है कुछ इस तरीके से, एक लगा देना है। और यहाँ पे एक काली कलर की एक ये ऑयल सील आती है यहाँ पे काले कलर की, देख सकते हैं लोग प्लग के ऊपर, इसको भी लगा देना है। और उसके बाद टैप कवर लगा के इसको कर देना है फिट, इसमें सारे बोल्ट लगा के कर देना है इसको टाइट। तो फाइनली मेरे बोल्ट हो गए टाइट, मेरा टॉप कवर लग चुका, सारे नट बोल्ट इसके जो थे वो मैंने टाइट कर दी। उसके बाद यहाँ आते हैं, यहाँ पे जो इग्निशन कॉइल मैंने खोला था ये वाली, इसको भी लगा के इसको भी कर देना है टाइट।
तो फाइनली मेरा जो इग्निशन कॉइल लग चुका है, इसके बोल्ट हो गए टाइट। उसके बाद ये जो रॉकर के बोल्ट होते हैं दोनों साइड के, तो इसको कर देंगे टाइट। तो फाइनली मेरे रॉकर के बोल्ट हो गए टाइट। उसके बाद ये जो टाइमिंग एडजस्टर ले लेना है, इसको टाइट करके कुछ इस तरीके से टाइट करके लॉक कर देना। उसके बाद लगा देना टाइमिंग एडजस्टर, और लगाने के बाद इसमें लगा देना 2 8 नंबर के बोल्ट लगा के कर देना इसको भी टाइट। तो फाइनली मेरे दोनों बोल्ट हो गए हैं टाइट। उसके बाद ये जो कार्बोरेटर का फ्लेंच हमने खोला था, यहाँ पे 8 नंबर का जो बोल्ट 2 होते हैं फ्लेंच में, यहाँ पे कार्बोरेटर के साइड में यहाँ पे जो हेड में लगता है फ्लेंच, इसमें भी 2 8 नंबर के बोल्ट होते हैं, इसको भी लगा के कर देना टाइट। तो चलो मैं इसको भी कर लेता हूँ टाइट। तो फाइनली मेरे सारे बोल्ट हो गए टाइट। अब लेना छोटा पेचकस, और यहाँ पे जो हमने अरजिस्टर को लॉक किया था इसको खोल देना है। तो मैं इसको खोल देता हूँ, तो पतले पेचकस की मदद से आराम से खुल जाता है। तो इसको मैं खोलता हूँ, तो कुछ ये मेरा खुल गया। आप लोग देख सकते हैं हमारा पेचकस नाचने लगा, तो हमारा ये खुल चुका है। उसके बाद इसमें लगा देना है 10 नंबर का जो बोल्ट आता है, वो लगा के कर देना है इसको टाइट। तो फाइनली मेरा बोल्ट हो गया टाइट। अरजिस्टर का जो 10 नंबर का बोल्ट था वो टाइट हो गया। उसके बाद लेना स्पार्क प्लग, और स्पार्क प्लग को कायदे से करना है क्लीन, और उसके बाद दोनों प्लग को लगा के कर देना है टाइट। तो फाइनली मेरा जो प्लग था वो हो गया है टाइट। उसके बाद लगा देंगे इसमें प्लग कैप दोनों साइड में, तो मैंने एक में लगा दिया और एक को भी मैं लगा देता हूँ। तो फाइनली हमारा प्लग कैप लग चुका है। उसके बाद इसमें लगाएंगे साइलेंसर, सारा कुछ हमारा हो गया है फिट। अब बचा है साइलेंसर, और साइलेंसर कहाँ है, तो ये जो ये आ रहा है हमारा साइलेंसर, तो इसको लगा के करते हैं फिट, और फिट करके दिखाते हैं आप लोगों को। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं इसका साइलेंसर जो है वो मैंने लगा दिया और कर दिया टाइट। तो फाइनली हमारा साइलेंसर भी लग चुका है। उसके बाद इसमें लगाएंगे जो टंकी है, टंकी को खाली बैठाएंगे, तो ये फाइनली हमारी टंकी जो है ये बैठ चुकी है। और उसके बाद जो इसमें डालना है इंजन ऑयल, जो हमारा पुराना इंजन ऑयल मैं उसी को डाल रहा हूँ, क्योंकि 2 3 दिन पहले इसकी सर्विस हुई थी। और उसके बाद मैं पुराना इंजन ऑयल डालता हूँ और फिर दिखाता हूँ आप लोगों को आगे। तो फाइनली इसका इंजन ऑयल पड़ चुका है, तो इसका जो कैप है उसको कर देते हैं प्लास से टाइट। तो इसका ऑयल भी पड़ गया है। उसके बाद मैं दिखाता हूँ आप लोगों को इसका जो पेट्रोल लाइन है, वो भी मैंने पेट्रोल पाइप जो है वो लगा के और पेट्रोल को कर दिया है ऑन, और चोक भी हमारा नहीं लगा हुआ है। तो अब मैं फाइनली इसको करता हूँ चालू, गाड़ी को चालू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसकी चाबी को करता हूँ ऑन, तो कुछ इस तरीके से मेरी चाबी हो गई ऑन। और अब मैं इसमें मारता हूँ किक, तो किक मार के देखता हूँ चालू होती है या नहीं। तो फाइनली मेरी गाड़ी हो गई है चालू। आप लोगों को मैं आवाज़ इसकी सुना दे रहा हूँ, आवाज़ आप लोगों को कम आ रही होगी मेरी, तो इसकी आवाज़ मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। तो हमारी गाड़ी हो गई चालू, सिर्फ 2 किक में गाड़ी चालू हुई। आप लोगों को सामने 2 किक में चालू हुई है गाड़ी, तो आप लोग इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। आवाज़ आप लोगों को मेरी कम आ रही होगी, तो आप लोग गौर से सुन लीजिए। इसकी आवाज़ एकदम चली गई है, जो खड़खड़ खड़खड़ थी वो सब चली गई है। तो फाइनली हमारी बाइक हो गई है चालू, स्टार्ट हो गई है। जिसमें प्रॉब्लम थी टाइमिंग चेन की, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। उसके बाद यहाँ पे एक कैप आता है कुछ इस तरीके से, इस सेल्फ के ऊपर इसको लगा के कर देंगे टायर। तो ये मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताओ, और वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दो, ताकि मैं इसी तरीके की नई वीडियो लाता रहूँ। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।